पान की दुकान है। तो ये हो गया मेस। तकरीबन 10 लाख की आबादी है और इसमें बहुत सारे लोकेलिटीज़ हैं। जैसे मेन ये कहते हैं जामिया नगर, बट इट्स कंप्राइज्ड ऑफ सो मैनी नेबरहुड्स लाइक जोगाबाई, जाकिर नगर, गड्ढा कॉलोनी, ओखला विहार, शाहीन बाग, जोरी फार्म, सो मैनी आई डोंट नो द नेम्स ऑफ ऑल दी लोकेलिटीज़। सो ऑन द लेफ्ट साइड यू हैव दिस कब्रिस्तान एंड दिस इज़ परमानेंट, एंड द राइट साइड आई एम शोइंग यू दिस इज़ डिस्प्यूटेड कब्रिस्तान, बट बोथ वन इज प्राइवेट, दोनों ही प्राइवेट है। बहुत ही घनी आबादी वाली मुस्लिम लोकेलिटी है। मैं ऐसा ना, कई पार्ट में करना है, मैं सिर्फ बटला हाउस जो चौक है कब्रिस्तान तक ही का इस बार वीडियो बना रहा हूँ, है ना, टू एंड फ्रो, एंड देन आई विल गेट बैक, क्योंकि वक्त की तंगी है। आई विल शो यू, आपको लुक एंड फील दे रहा हूँ कि हाउ इट लुक्स लाइक। ये दोनों तरफ आते नज़र आप देखेंगे दुकानें। अब ये देखिए ऊपर से मेट्रो रेल जा रही है, रिसेंटली मतलब आई थिंक इन 2018 में ऑपरेशनल हुई है। आप देख सकते हैं ऊपर मेट्रो रेल इज गोइंग, और ये लोग दावा भी करते हैं कि दिस इज द क्राउन ऑफ इंडिया, इंडियन मुस्लिम्स, ये जामिया नगर इज़ द क्राउन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स, और होना भी चाहिए। आप आएंगे तो पूरे इंडिया में आपको ऐसा नेबरहुड देखने को मिलेगा नहीं। आप जहाँ भी देखेंगे गुरबत की निशान, दूर दूर तक निशानी नहीं। और अभी यहाँ जो नए SHO आए हैं वो सिक्योरिटी के मामले में बहुत टाइट हैं, तो अभी कुछ शाहीन बाग वगैरह में भी देखा है जो दबंग टाइप के लोग हैं, मैं थोड़ा अंडरग्राउंड हो गए, दे हैव गॉन अंडरग्राउंड। तो साहब ये बटला हाउस का सिर्फ कब्रिस्तान तक का मैंने आपको नज़ारा दिखाया, वो रह गया था, फिर मैं दिखाता हूँ। ये देखिए मेन कब्रिस्तान इधर है, जहाँ यहाँ सारे जामिया नगर के मुर्दे दफन होते हैं, और ये लेफ्ट साइड में जो है ये डिस्प्यूटेड कब्रिस्तान है, ये डिस्प्यूटेड है तो दोनों ही प्राइवेट, सरकारी है नहीं, इसीलिए थोड़ा सा वो जो कब्रिस्तान है इसमें दफन करने के लिए पैसे लगते हैं, शायद 5 से 6 हज़ार रुपये। एक सीन आपको और दिखा देता हूँ, कितना ये शाम का वक्त है और कितना ट्रैफिक और रश है, टू मच। ये सामने से 402 बस जा रही है, 402 नंबर, ये जो है बहुत ही मशहूर बस है, नंबर रूट है, बिकॉज इट लिंक्स जामा मस्जिद एरिया, जामा मस्जिद। तो ये दिस इज और यहाँ से मैं ई रिक्शा पकड़ूंगा शाहीन बाग के लिए। आपको देखिए अगर हर तरफ आपको कोचिंग सेंटर्स, स्कूल, एजुकेशन से रिलेटेड, समझ जाइए एक रिवॉल्यूशन है। हर जगह आप देखेंगे तो एजुकेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ पोस्टर्स आपको ज़रूर नज़र आएंगे। ये देखिए अग्रवाल स्वीट्स, आपको इंडिया में किसी और जगह इस टाइप मुसलमानों का इस टाइप से मतलब इतनी खुशहाली नहीं दिखेगी। ये सेकंड टर्न लेफ्ट है, ये भी बटला हाउस में है, और ये मेन रोड है, देखिए वही 402 नंबर बस। अब यहाँ से आई विल कम्यूट ई रिक्शा लेकर शाहीन बाग जाऊँगा, यू कैन सी। यहाँ ट्रैफिक कंजेशन बहुत बड़ा मसला है, आपको कहीं भी जाम नहीं है, इसीलिए इस रूट स्टेशन अगर जाना है तो इस रूट को कभी ना लें आप।
अब देखिए मैं सवार होने जा रहा हूँ ई रिक्शा पे, पता करता हूँ। 9 नंबर, देखिए 9 नंबर जा रहे हैं, जहाँ मुझे कम्यूट करना है। और ये बाहर से भी थोड़ा मंजर आपको दिखा देता हूँ, फिर बताता हूँ। दिस इज प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम, इसे लोकेलिटी भी नहीं कह सकते, नेबरहुड भी नहीं कह सकते, इट्स अ वाइड एक्सपेंस ऑफ मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया। इसमें बहुत सारे लोकेलिटीज़ आते हैं, बहुत सारे, इट्स कंप्राइज ऑफ सो मेनी लोकेलिटीज़। ज़्यादातर का मैं नाम भी नहीं जानता, जैसे मशहूर है ओखला विहार, जोगाबाई एक्सटेंशन, जोरी फार्म, शाहीन बाग, अबुल फजल इनक्लेव एंड सो मेनी। एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट आई थिंक 95% मुस्लिम डोमिनेटेड, और एक तखमीने के मुताबिक तकरीबन 15 से 20 लाख मुसलमान यहाँ रहते हैं। चेक कर जाओ, ये लेफ्ट साइड में आप स्कूल देख सकते हैं, डीएमसी स्कूल है। पर ये है, आप यहाँ मतलब प्रॉस्पेरिटी, आप हर चीज़ में यहाँ आपको लगेगा नहीं कि गुरबत नाम की कोई चीज़ है। हिंदुस्तान के दूसरे शहरों के मुकाबले में वेयर यू सी पॉवर्टी रिटन लार्ज ऑन एवरी स्टोन एवरी ब्रिक, बट ये ऐसे आपको मतलब पॉवर्टी को देखने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी, गुरबत और तंगदस्ती को देखने के लिए। हर एक चीज़ से यहाँ प्रॉस्पेरिटी झलकती है। मुस्लिम नेबरहुड की बात कर रहा हूँ, इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स लाइक कोलकाता, मुंबई, अदर प्लेसेस। ये जो हम जगह पर पहुंचे हैं, दिस प्लेस इज ओखला हेड, दिस इज अ बस टर्मिनस। आप यहाँ के मकानों पर भी गौर करेंगे कि ज़्यादातर जो है 4 से 5 6 स्टोरेज हाई बिल्डिंग है, जिधर देखिए लखो तक मेन रोड और लेन्स बाई लेन्स, आप जिधर भी देखेंगे मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। आपको बस्ती वगैरह इस सब बस्ती एरिया, जो बस्ती मुसलमानों के ज़्यादातर होते हैं इंडिया में, उसकी झलक है। हाँ मतलब आबादी के लिहाज से वैसे मस्जिदें बहुत कम हैं, और कब्रिस्तान जो है वो सिर्फ एक है, और एक नया कब्रिस्तान जो शाहीन बाग में, उस मुकाबले में कुछ भी नहीं है। यहाँ इंस्टीट्यूशंस नहीं मिलेंगे आपको, जैसे दूसरे छोटे शहरों में देखा है कलकत्ता वगैरह में कि मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़्यादा हैं, या इंस्टीट्यूशंस आपको नहीं मिलेंगे वो यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी के अलावा जामिया नगर यूनिवर्सिटी, हमदर्द यूनिवर्सिटी, जैसे मुस्लिम एरिया में क्लब्स हैं या और तरह के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ पर आपको वो चीज़ नहीं देखेंगे। तो सोशली अगर आप देखें तो दिस इज़ वेरी पुअर, दिल्ली इज़ वेरी, दिल्ली मुस्लिम्स आर वेरी पुअर, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस देखेंगे नहीं। पूरे पूरे एरिया में आपको लखों तक एक लाइब्रेरी नहीं मिल सकती है, नेवर। 10 लाख 12 लाख की आबादी में आपको एक प्राइवेट लाइब्रेरी नहीं मिलेगी। और जबकि कलकत्ता में हमने देखा है कि इस तरह गली गली में वहाँ प्राइवेट लाइब्रेरीज हैं, जो फिलान्थ्रोपिस्ट के बदहुने मिन्नत जो बन गई पुराने ज़माने के मुसलमानों को। लेफ्ट साइड में आप देखिए जमात इस्लामी हिंद की प्रॉपर्टीज, दिस होल प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू जमात इस्लामी हिंद। बहुत लखोदक यहाँ से शुरू हो जाती है ऑलमोस्ट। आप बैकग्राउंड पे गौर करें, ये आप मकानों पे देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ मुसलमानों की माशी और समाजी हालत क्या होगी। जैसे मोहनजोदड़ो के आसार कदीमा में जो आर्काइव्स हैं, आर्कियोलॉजिकल जो चीज़ें हैं, बिल्डिंग्स, रोड्स, मकानात, और इन सब से अंदाज़ा उस सिविलाइजेशन के बारे में लगा सकते हैं। तो यहाँ की इमारतों से, ख़ासतौर से मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया की बात करूँ, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ मुसलमानों का सोशियो इकोनॉमिक पोजिशन क्या होगी। ये बहुत अब जी, ये लेफ्ट, ये जो हम गुजर रही है अबुल फजल एरिया है, अबुल फजल, ये देखिए होटल रिवर रिव्यू कितना आलीशान होटल है। और ये यहाँ की दुकानें आप देखें कितनी पॉश हैं,
आप देखेंगे ये जमात इस्लामी का ऑफिस नज़र आ रहा होगा राइट साइड में विद ब्लू बोर्ड, होटल रिवर व्यू के जस्ट एडजेसेंट। ये देखिए दिस इज़ जमात इस्लामी हिंद, बोर्ड में भी आपको नज़र आ रहा होगा मरकज जमात इस्लामी हिंद, वेरी ह्यूज प्रॉपर्टी। ये मस्जिद नहीं है वैसे, सुपर आई थिंक जिनकी इमारतें हैं, और वेरी वेरी ह्यूज एंड लार्ज कंपाउंड। मगर आप बैकग्राउंड पे और यहाँ के मकानों और सड़कों पे और साइड वॉक्स में जो दुकानें इन पर गौर कीजिएगा कि आपको पूरे इंडिया में जो दूसरी जगह हैं वहाँ के मुकाबले जितनी भी दुकानें 100% बिलोंग टू मुस्लिम। ये इतनी देर से आप देख रहे हैं मेन रोड पे हाई स्ट्रीट पे, मैं ई रिक्शा पे चल रहा हूँ, मगर ये जितना भी है हाई स्ट्रीट के, और फिर ये अंदर तो बहुत ही लकड़ा हुआ है, बहुत डेप्थ है, बहुत डेप्थ है। अगर लेफ्ट फ्लैंक है जो इस साइड से गलियाँ जो लेंस निकली अगर चलेंगे तो इसको क्रॉस करने में आपको पैदल बिल्कुल स्पीड में आधा घंटा लग जाएगा, सिर्फ दूसरे जो वो है क्या कहते हैं इसके पैरल स्ट्रीट तक पहुँचने में। दिस इज अबुल फजल मेन मार्केट। ये देखिए ये जो राइट साइड में आप देख रहे हैं दिस इज अबुल फजल, मतलब इसका आउटर मोस्ट फ्रिंज है, ये फ्रिंज है, ये बाहर का हिस्सा है। और आप दुकानों पे गौर करें कि कितनी बड़ी शॉप्स हैं, कितनी पॉश शॉप्स हैं। और इसमें एक भी गैर मुस्लिम या दूसरे डिफरेंट कम्युनिटी नहीं है, 100% मुस्लिम शॉप्स, बिल्डिंग्स। अबुल फजल देखिए, अबुल देखिए, एक वहाँ पे दिल्ली ट्रेडर्स लिखा है, उसके नीचे भी अबुल फजल इनक्लेव पढ़ सकते हैं। मैं आपको चूँकि प्रिपेयर नहीं था इसलिए मैं चलते फिरते आपको एक्सटेम्पोर एक लुक एंड फील दे रहा हूँ जामिया नगर का, ये जिसे यहाँ के मुस्लिम एलिट और इंटेलेक्चुअल तबका जो है कहते हैं। देखिए मस्जिद नूर, ये एक मस्जिद आई है, पहली मस्जिद इस स्ट्रेच में, मस्जिद नूर। ये बाहर बाहर का हिस्सा है और अंदर जो है डेप्थ, और ये लेफ्ट साइड में जो है ये पूरा जमुना है, ये बहुत अच्छा पोजीशन है इसका। लेफ्ट साइड में देखिए जमुना एरिया है, रिवर रिज एरिया है, वेटलैंड जिसे कहते हैं। और कल ही एक खबर थी कि यहाँ 12 साल का बच्चा जो है वो बेचारा शाहीन बाग का रहने वाला डूब कर मर गया था, वो कैसे हुआ इन्वेस्टिगेशन है आज पता चलेगा जाने से कि कैसे क्या हुआ था। ये देखिए असल अनप्रिपेयर्ड हूँ, वरना प्रिपेयर्ड होने से मैं पूरा आपका वो डायग्राम बनाकर मैं दिखाता और बताता आपको, ज़्यादा डिटेल्स बताता। ये जो गोल्डन हाउस आप देख रहे हैं, नर्सरी वगैरह कुछ है, इसी में बिल्कुल लास्ट में मुसलमानों का एक नया कब्रिस्तान बना है, पिछले साल आई थिंक 2018 में ऑपरेशनल हुआ है जमात उज़्ज़मा हिंद की कोशिशों से। और ये यूपी गवर्नमेंट की ज़मीन थी है, मगर इसका जो लास्ट पोर्शन है जिस पर कब्रिस्तान बना है वो यूपी गवर्नमेंट अखिलेश यादव जिस जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर होते थे, इन्होंने मुसलमान को डोनेट किया। और जो दिल्ली सेपरेट है, इज अ सेपरेट स्टेट, बट द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी हैड डोमिनेटेड दिस पीस ऑफ लैंड टू मुस्लिम्स फॉर मेकिंग द कब्रिस्तान द मुस्लिम ग्रेवयार्ड। आप देख रहे हैं कितनी देर से हम सफ़र कर रहे हैं, और ये आप देखिए, हम तो ये कह भी सकते हैं कि फिलहाल अल्लाह की मशीयत और बरकत दिल्ली में है, और ये परमानेंट रहती नहीं है, शिफ्ट होती है, क्योंकि उसका इंसाफ का तकाजा है कि कहीं किसी को हमेशा एक हालत में नहीं रखता है, तो इस शहर को भी। बाहर राइट में आप देखिए जायद कॉलेज फॉर गर्ल्स, अंदर तो गया नहीं पता नहीं, और ये वो कोई बहुत मशहूर भी नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है, पर यहाँ के
लैंडमार्क में भी नहीं आता। अगर किसी से पूछे कि जैद कॉलेज कहाँ है आम आदमी से, तो वो नहीं बता पाता है पाएगा। और अब ये देखिए इस लाइन में दूसरी मस्जिद आई है जो एक्सपेंशन हो रही है, जिसकी जमातुल उलूम बहुत अजीम शान मस्जिद बन रही है ये देखिए। और आगे जो आपको मीनार नज़र आ रहा है वो मस्जिद सनाबील, वो अहले हदीसों की मस्जिद है और बहुत वो भी ह्यूज कंपाउंड है। रिक्शा से मैं आया, इसको भी दिखा देता हूँ यादगार। देखिए रिक्शा ठीक है, ये है मस्जिद सनाबील, दिस इज ह्यूज कंपाउंड। आप देख रहे हो कितना अजीम शान है। दिस इज अहले हदीस मॉस्क एंड वेरी ह्यूज कंपाउंड। इसके ये मस्जिद है अहले हदीस की, और इस मस्जिद के बाद भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको चीज दिखाऊंगा। इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, देखिए 403 नंबर बस यहाँ से गुजरी, ऑरेंज लाइन, ये आप पुरानी दिल्ली स्टेशन जाती है ये बस। अगर आपको कभी पुरानी दिल्ली स्टेशन जाना है यहाँ से जामिया नगर से, सो यू विल लुक फॉर बस ऑफ रूट नंबर 402 एंड 403। ये देखिए माशाल्लाह, शाहीन बाग एरिया है ये। फिर एक नज़र देखते हैं, ये जो इलाका है ये जहाँ पे वाक़ है मस्जिद सनाबील, और ये जो आपने और मस्जिद देखी थी मस्जिद नूर, मस्जिद नूर और वगैरह वगैरह, जैद कॉलेज, ये सब शाहीन बाग के इलाके में। देख रही है मस्जिद कॉम्प्लेक्स, दिस इज मस्जिद सनाबील, बहुत मशहूर, ये बहुत हटकर है। आई थिंक द मोस्ट ब्यूटिफुल स्पॉट इन शाहीनबाग इन जामिया नगर। अब ये जो है यहाँ के XMLA, उनका नाम है आसिफ मोहम्मद खान साहब, आई थिंक ही इज अ मैन ऑफ टेस्ट, उन्हीं के बगल में मन्नत है। दिस इज द ओनली ब्यूटिफुल स्पॉट इन जामिया नगर जहाँ आपको अच्छा लगेगा। देखिए कितना हाउ ब्यूटीफुल। यहाँ जब भी मैं गुजरता हूँ थोड़ी देर जरूर रुकता हूँ। अगर ये जज्बा और लोगों में भी होता, सेंस ऑफ ब्यूटी, एस्थेटिक सेंस, तो मैं समझता हूँ कितना अच्छा होता। देखिए हाउ ब्यूटीफुल, इन्होंने MOB पाल रखा है, कितना ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल। पास में जितनी भी जगह हैं तो आप, इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल स्पॉट, क्योंकि मैं जब भी यहां से गुजरता हूं थोड़ी देर दो चार मिनट में जरूर रुकता हूं। मुख्तलिफ ब्रीड के ये मुर्गे हैं, आपको ये ब्रीड मार्केट में नहीं मिलेगा, ये शायद चाइनीज या मैं कह नहीं सकता, मगर ये नस्लें हैं कुछ। कट शॉट, इम्प्रॉपर टर्मिनस कह सकते हैं। यहाँ बसें बन के चलती हैं मुख्तलिफ जगहों के लिए, मिलेंगी एक ग्रीन लाइन जो एक ग्रीन कलर है और एक ऑरेंज लाइन, इसे क्लस्टर बसेस कहते हैं। और बहुत ही वह है एनवायरनमेंट फ्रेंडली बसें होती है। आपको दूसरे शहरों की तरह जो बसें होती हैं ना वैसी बसें नहीं होगी दिल्ली में,